हेलो गाइस, माय नेम इज विदेश और स्वागत है आपका बॉक्स ऑफ रेसलिंग में। तो क्या भाई, द रॉक ने किसी को भेजा है रोमन रेंस और पूरी ब्लड लाइन को भाई डिस्ट्रॉय करने के लिए? इसके बारे में बात करेंगे। सो करंट द ब्लड लाइन के मेंबर सोलो सिकोवा क्या द रॉक से मिले हुए हैं? अब डे वन से बात करते हैं। सोलो सिकोवा भाई क्लैश एट द कासल में फर्स्ट टाइम आए थे जब उन्होंने हेल्प किया था रोमन रेंस का। फिर नेक्स्ट डे स्मैकडाउन में उन्होंने एक्नॉलेज किया रोमन रेंस को, बट उनके फेस पे एक डाउट था। हम ये चीज देखते हैं भाई, सोलो सिकोवा एक एग्रेसिव मूड में हमेशा रहते हैं रोमन रेंस और ब्लड लाइन के साथ। वो कई बार ब्लड लाइन के साथ इन्वॉल्व होते हैं, कई बार नहीं भी होते हैं। वो ज्यादा प्रोमोज नहीं कट करते, ज्यादा किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होते, बट रोमन रेंस के साथ रहते हैं हमेशा। रिसेंटली WWE फैंस भाई स्पेकुलेट कर रही है कि तरीके सोलो सिकोवा ही वो मेंबर है जो ब्लड लाइन के ऊपर टर्न ऑन हो जाएंगे और रोमन रेंस को भाई धोखा देंगे। चीज भाई वो करेंगे द रॉक के कहने पे। रिसेंटली रॉ में जब उसोज और सैमी ज़ेन एक दूसरे को भाई हक कर रहे थे पूरी फैमिली की जैसे, तब वहां पर भाई सोलो सिकोवा उस टाइम पे उन सबको ज्वाइन नहीं करते हैं। अब यहीं से जो ये जितनी भी स्टोरीज है भाई ये क्रिएट हुई है। जस्ट इमेजिन भाई कितना कमाल का सीनारियो हमें देखने के लिए मिल सकता है अगर सच में ऐसा कोई WWE प्लान कर दे तो। द रॉक का भाई रिटर्न और सोलो सिकोवा उस टाइम पे रोमन रेंस के अगेंस्ट हो जाए भाई, कितना कमाल का होगा। या फिर सेकंड सीनारियो ये देख सकते हैं, एलिमिनेशन चैम्बर के बाद सोलो सिकोवा फाइनली अटैक करते हैं रोमन रेंस के ऊपर, जिसके वजह से भाई रोमन रेंस अपना चैंपियनशिप भी हारते हुए नजर आ सकते हैं और उसी टाइम रिटर्न हो जाए द रॉक का। और थर्ड सीनारियो ये हो सकता है कि सोलो सिकोवा फाइनली अटैक कर दे रोमन रेंस के ऊपर, जिसके वजह से भाई रोमन रेंस और सोलो सिकोवा का मैच देखने के लिए मिल जाए किसी भी शो में, और उस टाइम द रॉक भाई सेव करने आ जाए सोलो सिकोवा को। तो भाई क्या कमाल का ये सीनारियो सच में हो सकता है अगर WWE ऐसा कुछ प्लान कर दे तो हमारे लिए। अब ये तो भाई बस फैन सोच रहे हैं, क्या सच में WWE इसके अराउंड कुछ प्लान कर रही है? ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। अब जो भी चीज होगा भाई वो एलिमिनेशन चैम्बर के बाद ही हमें शेप लेता हुआ दिखने वाला है। कि तब तक रोमन रेंस के स्टोरी लाइन केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन के अराउंड चलता रहेगा। रॉक का भी मे बी एंट्री हमें इस फरवरी के बाद एलिमिनेशन चैम्बर के बाद ही देखने के लिए मिल सकता है, या तो रॉयल नंबर में देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं WWE इसको कितने जल्दी प्लान करती है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मैं ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपके लाते रहेंगे। भाई प्लीज कमेंट जाके जरूर बताइएगा, मैं आप लोग का ओपिनियन सुनना चाहता हूँ इस स्टोरी लाइन के बारे में। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। गुड बाय।